शांति। प्रकृति में भी पावर है, जैसे गुलाब का फूल कहाँ उगता है, गुलाब का फूल जो है वो बदबूदार खाद में उगता है, लेकिन उससे जो फूल बना गुलाब का वो खुशबूदार होता है, उस खुशबू देता है, तो उसमें भी वो परिवर्तन की शक्ति है कि वो बदबूदार खाद को खुशबू में बदल देता है। या एक अगरबत्ती हम जलाते हैं तो अगरबत्ती भी बदबू वाले वातावरण को खुशबू में परिवर्तन कर देती है। तो हम जो बाबा के बच्चे हैं, जैसे शिव बाबा ने, बाप दादा ने कभी भी हमारे अपनों को नहीं देखा, हम कैसे भी थे, हम जैसे भी थे, निश्चित में पति हो चुके थे, पतितों को पावन बनाने की बाबा आए थे, तमो प्रधान थे तो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने की आए थे, लेकिन जैसे भी थे हमें अपनाया और हमारे गुणों को देख करके उन गुणों में हम सर्वगुण संपन्न कैसे बने, वो परिवर्तन बाबा ने हमें लाया। तो वही हमें भी करना है कि किसी भी आत्मा ने यदि हमें कमी दिखाई भी देती है तो हम कैसे उसके सहयोगी बने, उसे भी परिवर्तन करने का सहयोग मिले, अपनी कमजोरी को दूर करके फिर से वो गुण उसके अंदर आए। जैसे दूसरों की विशेषताएं अगर हम देखते हैं, विशेषताओं से प्रभाव की बात हमने की, तो उसमें भी बाबा कहता है कि हमेशा देखो कि ये विशेषताएं बाबा की देन है, तो उन विशेषताओं की हम खुशबू लें, और यदि मेरे अंदर वो विशेषता नहीं है तो कैसे पुरुषार्थ करके वो विशेषता मेरे अंदर आए। किसी की कोई बात हमें पसंद है तो हम भी उस विशेषता को धारण करें, तो वो हमारे प्रगति होगी, हमारी उन्नति होगी, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बाबा हमेशा बीच में रहे कि देने वाला काका कौन है, और यहाँ अवगुण है तो हमें सहयोगी बनना है कि बाबा ने मुझे जो शक्ति दी है तो मैं इस आत्मा को भी सहयोग दे करके इसकी कमजोरी दूर हो जाए, ऐसा कुछ प्रयास कर, क्योंकि हम बाबा के अत्यंत कल्याणकारी बच्चे हैं। एक बार एक आश्रम था और वो आश्रम बंद होने जैसा हो रहा था, तो उसका जो मुखिया था उसको बड़ी चिंता हुई कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आश्रम सचमुच बंद हो जाएगा, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। तो एक रात उसने भगवान का ध्यान किया और भगवान से ये प्रार्थना की कि उसका कोई हल उससे मिले। तो उसने उसी रात सपने में देखा कि उनके जो पड़ोस में दूसरा आश्रम है उसका जो मुखिया है वो उनको हल बता सकता है। तो वो दूसरे दिन सुबह ही उसके दूसरे आश्रम के मुखिया के पास गया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा कि मुझे सपने में ऐसी प्रेरणा मिली कि आप मुझे इसका हल बता सकते हो। तो उसने कहा कि हल क्या होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि आपके आश्रम में कोई देवदूत है, तो आप खोजो उसको कि कौन देवदूत है, और वो देवदूत ही आपके आश्रम को पुनर्जीवन दे सकता है। उसने कहा ठीक है, कोशिश करेंगे। तो आया और उसने अपने जो भी आश्रमवासी थे सबके साथ एक मीटिंग की और सबको कहा कि इस आश्रम में कोई देवदूत है, उस देवदूत को हमें खोजना है। वो आश्रम क्यों बंद होने जा रहा था, उसका कारण ये था कि जो आश्रम वासी थे वो आपस में बहुत क्रोध करते थे, उनमें एक दो में बहुत ईर्ष्या थी, एक दूसरे पर आरोप करते थे, वो जैसे तुम ऐसा करते हो। तो आश्रम में काफी अशांति फैली हुई थी और लोग तो शांति के लिए आते हैं
और जब उनको शांति नहीं मिलती थी तो रोने आना बंद कर दिया। अब जब उसने ये कहा कि तुम्हारे आश्रम में कोई देवदूत है, और जब सबको ये बात कही तो सबने एक दूसरे को उस नजर से देखना शुरू किया। जो वो एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखते थे, लोगों की कमियां देखते थे, उसकी बजाय अब देवदूत कौन हो सकता है। तो उसने देखा ये भले ही रसोई में भोजन बनाने का काम करता है, लेकिन इसमें तो ये गुण है, तो ये देवदूत हो सकता है। फिर देखा कि ये तो आश्रम की साफ सफाई का काम संभालता है, लेकिन इसमें ये गुण भी है, हो सकता है ये देवदूत हो। फिर देखा कि जो आश्रम की व्यवस्था संभालते हैं, घर व्यवस्था संभालते हैं, लेकिन इनमें ये विशेषताएं हैं, तो ये देवदूत हो सकते हैं। तो हरे के अंदर उन्होंने देवदूत को देखने के लिए गुणों को देखना शुरू कर दिया, और जैसे ही गुणों को देखना शुरू किया उनकी दृष्टिवृत्ति परिवर्तन हुई, एक दो के प्रति उनका व्यवहार भी परिवर्तन होने लगा, एक दो के प्रति स्नेह और सम्मान का भाव उनके अंदर आने लगा, और आश्रम का वातावरण बदल गया, आश्रम में शांति होने लगी, लोग भी आने लगे। तो ये जो मुखिया वो बहुत खुश हुआ, उसने कहा देवदूत तो नहीं मिला, लेकिन आश्रम तो फिर से चलने लगा है, तो मैं उसको जाकर धन्यवाद देता हूँ। तो मेरा उसके पास और कहा कि आपने जो देवदूत की बात कही उससे हमारा आश्रम ठीक हो गया है, लेकिन वो देवदूत कौन हो सकता है तुम ही बताओ। तो उसने कहा कि जो आप लोगों ने आपसी व्यवहार में परिवर्तन लाया देवदूत को खोजने के लिए, वही आपका असली देवदूत है। आपको आश्रम में संगठन में किस तरह से रहना चाहिए वो सिखाने के लिए मैंने कहा कि एक दो के अंदर अपना देवदूत देखो। बाबा भी यही कहते हैं, हरेक आत्मा को किस नजर से देखो, उसके आदि अनादि स्वरूप से देखो। हम आत्माओं का जो मूल स्वभाव है, जो सत्व प्रधान स्थिति है, वो सभी के समान है, सभी सभी देवात्मा है। कोई कहेगा मैं देवी देवता बनने वाली नहीं हूँ। जिसने बाबा को पहचाना और अपना पिता कहा, उस खड़ी को वारिस हो गए, उस खड़ी। तो यदि हमारी ये नजर, ये श्रेष्ठ नजर हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति सदा रहती है, वो वही श्रेष्ठ आत्मा है, कर्म पहले वाली, उसके अनादि स्वरूप पर भी हम नजर रखते हैं, तो फिर एक दो के प्रति हमेशा हमारा स्नेह सम्मान का भाव रहेगा। तो फिर संगठन में रहते हुए जो किसी के संस्कारों के कारण हमारा योग टूट जाता है, कर्म योग की हमारी स्थिति में फर्क आ जाता है, वो फर्क नहीं आए। तो यहाँ भी ये सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि किसी के प्रति मेरा ईर्ष्या का भाव, किसी का भाव, किसी के प्रति मेरा द्वेष का भाव तो नहीं। जैसे राग द्वेष कहते हैं, तो जितना राग विचलित करता है उतना ही द्वेष भी विचलित करता है।